तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं रॉस आइलैंड में, दिखाते हैं आपको कैसे जाना है, सारी चीजें भी बताते हैं। ये एफडीएन जेटी है, आपको अगर जाना है तो रॉस आइलैंड के लिए यहीं से जानी पड़ेगी। वहां से आप टिकट ले सकते हो और यहां से आपको लेकर के जाएंगे। फिर एक्चुअली होता है ऐसा है यहाँ पे रॉस आइलैंड जाने के लिए कि आप स्पेशली किसी बोट से नहीं जा सकते हो। अगर आप लोग इतने मेंबर्स हो कि हाँ एक बोट में 12 लोग की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, अगर आप लोग जैसे 12 लोग है, एक बोट की 10 कैपेसिटी होती है, अगर आप लोग 10 लोग हो तो एक बार में अकेले जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको फिर वेट करना पड़ेगा। 10 लोग जब पूरे हो जाएंगे तब ये ले जाते हैं। तो मैं बता दूं कि पर पर्सन 340 रुपीज ये चार्ज करते हैं, आपको ले जाएंगे वहाँ पे, आपको एक घंटे का समय देंगे, उसके बाद वापस लेकर जाएंगे। तो इतने का 340 रुपीज ये चार्ज करते हैं। और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से आओगे, यहाँ पे आ सकते हो अपने होटल से। आप चाहें तो अपने कैब ड्राइवर से भी बोल दो, या आपने अगर स्कूटी वगैरह कुछ रेंट करी वगैरह है तो आप उससे भी यहाँ पे आराम से आ सकते हो। एफडीएन जेटी करके है, लिख के भी आ रहा होगा, उससे आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। स्कूटी अगर आप लेके आए तो बाहर पार्किंग वगैरह भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप पार्क कर दो, यहाँ पे जाओ। सामने जस्ट दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, सामने दिख रहा है, उसके लिए 10 मिनट की राइड है, आप आराम से वहाँ पहुँच जाओगे, इन्जॉय करो, चिल करो, उसके बाद वापस आ जाओ। वहाँ की कुछ 2-4 खूबसूरतियाँ मैं बता देता हूँ। वहाँ पे हिरन है, मोर है, ये सारी चीज़ें हैं, हियर पीकॉक, ये सब जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें आप, और कुछ पिंजड़े में नहीं, ऐसे खुले में आप आराम से जाकर उनके साथ फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। तो ये सारी खूबसूरती है रॉस आइलैंड की। वैसे बगल में एक नॉर्थ बे आइलैंड है, वहाँ हम लोगों ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। एक हम लोगों को अभी नया आइलैंड पता चला है जो कि 4 साल बाद खुला है, उसका नाम है वंडूर आइलैंड। अभी हम लोग उसके बाद यहाँ से वापस आने के बाद वंडूर आइलैंड भी जाएंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो बोट राइड के लिए आपको सेफ्टी के लिए पहना, देख लो वो सामने दिख रहा है रॉस आइलैंड, वही है रॉस आइलैंड। ये किनका स्टैचू है यार, ये नहीं पता चल रहा है, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताना किनका स्टैचू है। तो वो है सामने रॉस आइलैंड। गाइस, पूरी ट्रिप में आपने मेरा जितना भी स्टफ देखा, मेरी वॉच हो गई, मेरे शर्ट्स हो गए, मेरे टी शर्ट्स हो गए, मेरे हाफ पैंट्स हो गए, आप लोगों को इसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लोग बेशक जाकर के मेरे अमेजोन स्टोर से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है, आराम से जाइए आप परचेस करिए। तो ये रहा अपना रॉस आइलैंड, चले जल्दी से चलते हैं। देख लो हम लोग वहां से आए, वहां से यहाँ कोकोनट ट्री किसने है ना, एक लाइन से कोकोनट ट्री है, ये हमें लग रहा है कोकोनट ट्री के लिए फेमस है। देखते हैं अंदर जाके तो सब कुछ पता चलेगा ही, चलते हैं जल्दी से अंदर। भाई साहब, कभी सोचा नहीं था डियर को इतनी नजदीक से भी देखूंगा, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे, पर फोटो खिंचाता हूँ। गाइस, सच में कभी नहीं सोचा था कि इतना नजदीक से डियर को देखूंगा यार, ये सिर्फ यहाँ के खूबसूरती है, हर जगह नहीं मिलता ये सब चीजें। तो यार देख लो, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहा जाता है। गाइस, रॉस आइलैंड तो एक फॉरेन नेम जैसा लगता है, लेकिन जब नाम सुनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, तो ये लगता है कि हाँ यार बताओ, अपने इंडिया में इतना सारी खूबसूरतियाँ हैं, फिर भी हम लोग कहाँ मालदीव वालदीव के चक्कर में भागते हैं। सामने रुको, मैं बोल ही रहा था, कुछ आ गया क्या है, फर्जन अली स्टोर, ये कुछ स्टोर वगैरह टाइप का बना है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अरे बाप रे बाप, मैं कुछ बात बोलने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, इतने सारे है। अभी हम लोग उनके नज़दीक भी गए थे, अभी और भी जाएंगे। यार इतनी सारी चीज़ें देखने से तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने ट्रिप प्लान करी थी बहुत सही प्लान करी थी, कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं गया कि हाँ मैं बोर हो गया हूँ या मुझे ख़राब लग रहा हूँ, मुझे गिल्ट हो रहा हो कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। मस्त मज़ा आ रहा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, अब मुझे 1 या 2 दिन में निकलना होगा। ये ट्रिप जो है मेरी बिल्कुल एंडिंग पे आ चुकी है, 1 या 2 दिन और है मुझे, लगभग आपको इस ब्लॉग के बाद 3 या 4 ब्लॉग और मिलेंगे, फिर एंडिंग हो जाएगी अली ट्रिप की। लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। ये वीडियो तो आप लोग बाद में देख रहे होगे, लेकिन जिस समय मैं यहाँ पे हूँ उस समय सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ पूरा भीड़ लगी हुई है पूरे डियर्स की, मैं दिखाता हूँ आपको सामने से, लुक एट दिस, दीज आर द डियर्स। मुर्गा कहाँ से आ गया ये बीच में, इतने सारी डियर्स, इन्होंने पॉटी शुसू करके रखा हुआ सब, यही है, देखो देखो डर रहे हैं। हम लोग इनसे डरते हैं लेकिन ये भी हमसे ही डरते हैं। तो यहाँ पे आए, इंजॉय करें, फोटो वगैरह क्लिक कराएं, प्लीज़ इनको हार्म ना करें, कुछ ऐसा गलत ना करें जिनसे इनको कुछ दिक्कत हो, क्योंकि ये यहाँ पे हैं तभी हम लोगों के यहाँ पे इस द्वीप की खूबसूरती बढ़ रही है, अगर इन्हीं को आप हार्म करोगे तो गलत बात है। तो हार्म मत करें, अच्छे से इंजॉय करें। भाई ये देख रहे हो, पेड़ कहाँ हुआ है,
एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के ऊपर उगा हुआ है। कभी सोचो आप ऐसा पेड़ निकल सकता है? इधर देखो, यही सब दिखाते हैं मूवीज में। देखो यहाँ पे लाइट वगैरह लगी है, आई थिंक रात को ये जलते होंगे तब इसकी और कुछ अलग नज़ारे होते होंगे। पूरा ये शूट स्टूडियो की तरीके लग रहा है, एकदम मस्त। गाइस ये स्विमिंग पूल देख रहे हो, अंग्रेजों के जमाने का स्विमिंग पूल है। तब हम लोगों को किसी को मालूम नहीं होगा इंडिया के लोगों को कि स्विमिंग पूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तब से ये इंडिया में बना हुआ है, स्विमिंग पूल में नहाते थे। और यहाँ पर देखो ये पानी फिल्टर करने के लिए मशीनें लगा रखी हैं सब। ये सब फॉरनर्स ने आके यहाँ पे सब पूरा बना रखा है। ये देखो वाटर डिस्टिलिंग प्लांट, पूरा प्लांट है पानी फिल्टर करने के लिए समुद्र का। इस तरीके से देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो वीडियो पॉज करके देख लेना, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वाटर को फिल्टर वगैरह किया जाता था। और ये ऐसे ही इन्होंने ऐसे नहीं जबरदस्ती बना दिया, कुछ मकसद था इस वजह से बनाया कि यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी, बीमारियाँ हो गई थी पानी से संबंधित, इसलिए वाटर डिस्टिलिंग प्लांट बनाया गया था। इसके अंदर का भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देख लो नज़दीक से कुछ इस तरीके की ये मशीन है, लोहे की है पूरी, लोहा जंग खा चुका है, लेकिन देखो कितनी बड़ी सी मशीन है। ये देख लो, ये रहा सामने समुद्र, मस्त व्यू है एकदम। सब देख रहे हो पेड़ आप पूरे का पूरा इस तरीके से निकला हुआ ताकि कोई जान भी ना पाए कि हाँ यहाँ पे कोई प्लांट भी है। देख लो गाइस ये बेकरी है, कभी सोचा था बेकरी भी अंग्रेजों के जमाने में बेकरी थी। ये देखो बेकरी बनी हुई है, सब टूट टाट गया, सब खत्म। पर भी गाइस कुछ है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रैक करके आना पड़ेगा। ट्रैकिंग में यार थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है कि हाँ, देखो मेरी सांस फूलने लगी ना थोड़ा। एक काम करता हूँ ऊपर पहुँच के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। गाइज ये देख लो यहाँ पे रॉस आइलैंड में अंग्रेजों के ज़माने का क्लब भी बना हुआ है, मस्त। यहाँ पे फौजी लोग डांस वांस सब चीज़ें इंजॉय करते थे। और ये रही चर्च, प्रेसबिट्रियन चर्च। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह बहुत खतरनाक आएंगी। गाइज इसी आइलैंड पे देख लो बीच भी है, कितनी सारी खूबसूरतियाँ देगा यार एक ही आइलैंड। वैसे मैंने सुना है कि थोड़ा सा आपको स्टेयर्स वगैरह उतर के जानी पड़ेंगी तब एक खूबसूरत सा बीच विद वाइट सैंड। यार इन सब चीज़ों में बस एक कमी कर ली ड्रोन की, ड्रोन अगर हो ना तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स आ सकते हैं। कोई बात नहीं, फ्यूचर में ले लेंगे। तो अब समय आ गया है रॉस आइलैंड से जाने का, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को एक घंटे का समय दिया था, कहा था एक घंटे बाद आप वापस आ जाइएगा। तो अगर आप भी आते हो तो ऐसे ही होगा, एक डेढ़ घंटे का ही समय दिया जाता है, उसी में आप अच्छे से इन्जॉय कर लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक घंटे में कितना कुछ इन्जॉय करते हो या एक ही स्पॉट पे सारा टाइम निकाल लेते हो। तो चलो अब चलते हैं भाई। देख लो अंग्रेजों के ज़माने में पानी सेव करने के लिए पॉन्ड भी बनाया हुआ है यहाँ, ताकि जो मीठा पानी है वो यहाँ पे पीने को मिल सके। आने की सुविधा तो होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पॉन्ड बनाया हुआ है।